हेलो, इप्सा के एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने अपने सहपाठियों के साथ ग्रुप डिस्कशन करने जा रही हूँ। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र की व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, चरित्र भाग्य होता है। चरित्र वह वस्तु है जिसके द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं और तुच्छ व्यक्ति अपने राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाते हैं। मैं इनके बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शिक्षा जीवन में समायोजन करना सिखाती है। कहने का ये मतलब है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे किससे बात कैसे करना चाहिए, और इससे ये है कि शिक्षित होने पे ही हम में संघर्षों का सामना करने का साहस उत्पन्न हमें होता है, और ये वातावरण को अच्छी तरह बनाता है, और नहीं तो इससे ये पता चलता है कि हम कैसे अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल सकते हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। शिक्षा द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने में सहायक होता है। शिक्षा मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना भी सिखाती है। शिक्षा जीवन की तैयारी करने में सहायक होती है। शिक्षा हमको ज्ञान प्रदान भी करती है। मैं इनके बातों से सहमत हूँ। शिक्षा ज्ञान का प्रसार करती है। शिक्षा ज्ञान चक्षु को खोलती है। शिक्षा से हम मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। शिक्षा से हमें सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और शिक्षा से हमें आगे की योजना बनाने का भी कार्यकरण होता है। मैं इनके बातों से सहमत हूँ। शिक्षा सांस्कृतिक वंश का निर्माण करती है तथा शिक्षा सांस्कृतिक विरासत को विकसित करती है। शिक्षा का कार्य समस्याओं का हल निकालना है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शिक्षा भविष्य में जीवन जीने की कला सिखाती है, जिसके द्वारा स्कूल से ही बच्चे अपने भविष्य की योजना बनाने लगते हैं। मैं अपने साथियों के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शिक्षा सामाजिक कौशलों को विकसित करती है। शिक्षा से ही ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है जो राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। शिक्षा भविष्य निर्माण करने में सहायक होता है और त्याग की भावना को जागृत करता है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार को विकसित करती है, यानी एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति के भावों को समझता है। शिक्षा वैज्ञानिक आधार को विकसित करती है। यह अंधविश्वास को दूर करने में भी सहायक प्रदान करती है। मैं इनके बातों से सहमत हूँ। शिक्षा त्याग की भावना सिखाती है, जो बड़े युग के लिए छोटे युग का त्याग करना पड़ता है। शिक्षा जंगली आदतों को छोड़ाती है। मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। शिक्षा से हमें मनुष्य की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। शिक्षा से हम आगे के कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। शिक्षा आत्मबोध की प्राप्ति करती है तथा इससे वंश का निर्माण होता है। शिक्षा से आत्मबोध की प्राप्ति होता है तथा सौ की प्राप्ति होती है। शिक्षा से आदर्श जीवन जीने में सहायता मिलती है। शिक्षा से व्यक्ति का विकास होता है। शिक्षा का उद्देश्य है मानव का विकास करना। अब मैं अपने ग्रुप डिस्कशन को समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।